हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल और अवनी इन्फोटेक। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप MIUI 11 के स्टेबल टेस्टिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं और सपोर्टेड डिवाइस आप डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि चाइना में अभी भी बीटा रोम रेगुलर देखने को मिल जाता है, लेकिन ग्लोबली किसी भी डिवाइस के लिए आपको बीटा रोम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप ये जो भी प्रोसेस हैं, यानी कि गूगल फॉर्म अगर फिल करेंगे और जो क्राइटेरिया अगर आप उसको फुलफिल करते हैं और बग डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये अपडेट सबसे पहले मिल सकता है क्योंकि स्टेबल अपडेट को टेस्ट करने के लिए उनको कुछ यूज़र चाहिए था। तो वो वीडियो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को ये अपडेट देखने को मिलेगा और ये अपडेट कब तक आपके डिवाइस में देखने को मिल सकता है। ये रहा ऑफिशियल साइट। उसके अलावा ये सारे जो नाम आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर टेलीग्राम लिंक से निकाला है और ये K20 डिवाइस के लिए है। जो लोग K20 डिवाइस के लिए अप्लाई किए थे उनको ये सारे अपडेट MIUI का 11.1 का नया सीरीज का अपडेट देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये दूसरा लिस्ट है Redmi Note 7 Pro के डिवाइस के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये सारे नेम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं Redmi Note 7 Pro के डिवाइस के लिए। उसके अलावा Poco F1 के डिवाइस के लिए ये सारे लिस्ट रिलीज़ किए गए हैं। जो लोग Poco F1 डिवाइस अभी यूज़ कर रहे हैं उनको यहाँ पर इतने सारे यूज़र को Poco F1 में सबसे पहले अपडेट मिलेगा, फिर जाके नॉर्मल यूज़र को ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये सारे Poco F1 के डिवाइस है। मैंने लगभग सभी डिवाइस का यहाँ पर लिस्ट निकाल लिया है और ये रहा Redmi Note 5 Pro का डिवाइस। इसमें हमारा भी डिवाइस शामिल है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी Redmi Note 5 Pro के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था उनके यहाँ पर नेम मेंशन किए गए हैं। इन सभी को अपडेट देखने को सबसे पहले मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट में नाम आता है Redmi Note 8 Pro का। जो लोग Redmi Note 8 Pro को यूज़ करते हैं और उनके लिए अप्लाई किए थे तो उनको भी यहाँ पर ये अपडेट मिल जाएगा पहले नॉर्मल यूजर से, जो लोग अप्लाई नहीं किए थे। इसके बाद आता है Redmi का Note 8 और आपने अगर अप्लाई किया है तो यहाँ पर अपना नाम भी काफ़ी आसानी से आप देख सकते हैं। और ये कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके बाद कुछ पुराने डिवाइस शामिल है जैसे कि Redmi का 6 Pro। जो लोग Redmi का 6 Pro यूज़ करते हैं उन्होंने अप्लाई किया था यहाँ पर 11 के टेस्टिंग के लिए, तो उनका भी नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद देखते हैं Redmi 6 यूज़र आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 7A यूज़र ठीक उसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। जो लोग अप्लाई किए थे Redmi 7A के लिए गूगल फॉर्म में जाकर सारा क्राइटेरिया फुलफिल किए थे उनका यहाँ पर नाम देखने को मिला है। बहुत से ऐसे यूज़र हैं जिन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन कुछ न कुछ वजह से उनका नाम रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आपको ये अपडेट कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी डिवाइस शामिल है जैसे कि Redmi Y2 का डिवाइस शामिल है, नीचे में यहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक में जाके आपको यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है उसको everyone के लिए आपको ओपन कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी ये अपडेट रोल आउट होगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मान लो कि आपके पास Poco F1 का डिवाइस है और आपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाके एवरीवन को सेटिंग करेंगे तो आपको Poco F1 के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिससे आपको अपडेट पहले मिले। और अगर आपका नाम इस लिस्ट में है और आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है तो आपको वहाँ पर पूरे डिटेल्स में दिखा दिया गया है कि आपको कैसे टेलीग्राम में आपको चेंजेस करने हैं और कैसे आपको आपके डिवाइस के लिए अपडेट देखने को मिलेगा। सिंपली जो भी यूज़र अपने डिवाइस के लिए अप्लाई किए उन्हें एक अलग से नए ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उन्हें सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा। रहा बात ये अपडेट कब मिलेगा, तो ये अपडेट फेब के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा क्योंकि 11.1 के सीरीज़ के लिए अपडेट होगा। इस बीच आपको छोटे मोटे कुछ और भी अपडेट मिलेंगे जिसके वजह से आपको कुछ दिन का वेट करना होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।